हेलो एवरीवन, आज हम ओस्टेट पेपर का 2016 में जो सीबीजेड पेपर हुआ था उसका बॉटनी पेपर को आज एनालिसिस करने जा रहे हैं। हम इसी तरह सीरियली 2021 तक जितने भी ओस्टेट के पेपर है उसका बॉटनी और जूलॉजी पेपर को हम पूरा एनालिसिस करने जा रहे हैं, और साथ ही में हम अभी फिलहाल बॉटनी का लिए हैं। इसके बाद बॉटनी का ख़त्म होने के बाद जूलॉजी का शुरू करेंगे। तो आप लोग अगर ओस्टेट हो गया या फिर अन्य किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल में आपको जाके बहुत सारे ढेर सारे वीडियो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। आप चाहो तो वहां से जाके चेक कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज बॉटनी पेपर से। मैं हूं आपका मेंटर विनोद परेड़ा। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करने की। चलिए शुरू करते हैं। सो पहले क्वेश्चन दिया है, ये बॉटनी पेपर का बात कर रहे हैं। तो बॉटनी में पहला दिया है, व्हाट विल बी द जीनोटिपिक रेशियो ऑब्टेंड इन F1 जनरेशन फ्रॉम ए क्रॉस ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी व्हेन क्रॉसेस विद स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। तो पूछा है ये दोनों को क्रॉसेस से हमें क्या आउटकम मिलेगा या फिर क्या F1 जनरेशन में मिलने वाला है। तो देखिए, इनमें से जो दो पेरेंट हैं, पेरेंट में से ये मान लीजिए पेरेंट ए है, ये पेरेंट वन है, ये वन ये टू। वन जो है वहाँ पर दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस हो सकते हैं, एक होगा कैपिटल ए कैपिटल बी और दूसरा होगा स्मॉल ए कैपिटल बी। आप चेक कर सकते हैं, कैपिटल ए कैन गो विथ कैपिटल बी एनी ऑफ द कैपिटल बी और स्मॉल ए कैन गो विथ एनी ऑफ द कैपिटल बी। तो ये दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस होगा। लेकिन जो वहाँ पे दूसरी तरफ पेरेंट टू में अगर देखने जाएं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस होने वाला है, वो होगा स्मॉल ए कैपिटल बी। और यही एक बार रिपीट कर देंगे तो वही स्मॉल है कैपिटल बी। लेकिन हम उसको दोबारा क्यों रिपीट करें, वही सेम चीज़ है, इसीलिए हम एक ही बार लिख रहे हैं। तो इन दोनों को अभी क्रॉसेस करेंगे, ये तीनों को अगर क्रॉसेस करेंगे, ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, तो हमें आउटकम क्या मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल कैपिटल बी। ये एक गैमेट हो गया, ये एक इंडिविजुअल हो गया, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ये दूसरा इंडिविजुअल हो गया। तो हमें यानी कि ये दोनों पेरेंट के पेरेंट को क्रॉस करने के बाद हमें यही दो प्रकार के, यही दो सिर्फ दो प्रकार के ही हमें इंडिविजुअल मिलेंगे। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, वो है ऑप्शन डी, वन कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी इज टू वन स्मॉल ए कैपिटल बी। हमारा भी आउटकम यही निकल के आया है, ध्यान दीजिएगा ये चीज़ को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ए प्रिवेंटिव मेजर ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। इनमें से कौन सा वाला प्रिवेंटिव मेजर नहीं है प्लांट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। क्रॉप रोटेशन से तो हमारा प्लांट डिजीज कंट्रोल होता है, ये मालूम है। क्रॉप रोटेशन यानी आप मान लीजिए अभी फिलहाल कोई एक फील्ड में आपने सीरियल्स को अभी क्या किया, सीरियल्स को अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं। उसके बाद सीरियल को कंप्लीट, उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के बाद आपने क्या किया, सीरियल को हटाकर अभी वहाँ पे पल्सेस को कर रहे हैं, पल्सेस को। इस तरह से क्या होगा, जो सीरियल्स के जो पैथोजन होंगे उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे क्या कौन है, पल्सेस है। इस वजह से क्रॉप रोटेशन किया जाता है ताकि डिजीज को कंट्रोल किया जा सके। स्प्रेइंग ऑफ फंजीसाइड्स, ये गलत है, ये एक गलत है, मैं यानी कि यही हमारा आंसर होगा। देखिए इसका तो आंसर ये है, स्प्रेइंग ऑफ फंजीसाइड प्लांट डिजीज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फंजीसाइड रेस्पॉन्सिबल नहीं होते, वीड्स वगैरह भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं और सारे भी बहुत सारे चीज़ें रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि प्लांट डिजीज करते हैं, बैक्टीरिया वायरस वो सारे भी होते हैं। तो हमें सिर्फ फंजीसाइड देने से प्लांट डिजीज कंट्रोल होगा बोल के कोई गारंटी नहीं है। चलिए और कोई भी ऑप्शन देख लेते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ये तो करने से प्लांट डिजीज कंट्रोल होंगे, और स्पेसिंग करने से, स्पेस स्पेस में अगर हम क्रॉप को बिल्डअप करें तो उन एक पैथोजन दूसरे प्लांट को अटैक नहीं कर पाएगा। सो इसका राइट आंसर होगा स्प्रेइंग ऑफ फंजीसाइड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है व्हिच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट क्रॉस, इनमें से कौन सा वाला टेस्ट क्रॉस है। हमें पहले जानना होगा टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है अगर हम एक पेरेंट वन को क्रॉस करेंगे पेरेंट टू के साथ, जो इंडिविजुअल आएगा मान लीजिए ये कोई थ्री आया, ये F1 जनरेशन होता है, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा ये कोई एक डोमिनेंट पेरेंट है और ये कोई एक रिसेसिव पेरेंट है। तो याद रखिएगा जो F1 जनरेशन होता है वो हमेशा जब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है ना, यानी कि रिसेसिव पेरेंट के साथ जब भी क्रॉस किया जाता है उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है, उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि पेरेंट में अगर एक डोमिनेंट पेरेंट हो एक रिसेसिव पेरेंट हो, उन दोनों के बीच में जो क्रॉसिंग हो के F1 जनरेशन आता है, और उसी F1 जनरेशन को जो बैक क्रॉसिंग करके एक रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है, याद रखिएगा रिसेसिव, तो उसी को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। चलते हैं ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमारा हो गया, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी,
ये हमारा F1 जनरेशन हुआ। देखिए कैसे हुआ, मान लीजिए मैंने एक डोमिनेंट पेरेंट लिया, उसको क्रॉस किया स्मॉल टी यानी कि एक रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो मुझे क्या मिला, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी, ये हमारा F1 इंडिविजुअल आया। अब इसको हमें रिसेसिव के साथ क्रॉस करना है, रिसेसिव पेरेंट। देखिए ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, ये डी है, ये आर है, तो इसको ही हम कहेंगे, ये वाला क्रॉस को ही हम कहेंगे क्या, हमारा टेस्ट क्रॉस, क्या F1 और हमारा होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। तो चलते हैं इनमें से ऑप्शन कौन सा है देख लेते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉसेस विथ कैपिटल टी ये वाला नहीं है, कैपिटल टी ये वाला भी नहीं है, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी ये वाला नहीं है, तो बचा क्या ये ऑप्शन, देखिए ये वाला हमारा इसके साथ मैच कर रहा है, तो ये वाला ही होगा हमारा आंसर। तो इसे को कहते हैं टेस्ट क्रॉस, याद रखिएगा, टेस्ट क्रॉस यानी बैक क्रॉसिंग विद द रिसेसिव पेरेंट, F1 जनरेशन का बैक क्रॉसिंग। व्हिच क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच क्लास ऑफ फंगाई डज कॉज रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट। रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट कौन करता है, हमें मालूम है रस्ट डिजीज कौन करता है, पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रीटीसी, पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रीटीसी, याद रखिएगा ये। और ये किसके अंडर में आता है, किसके कौन से क्लास के अंडर में आता है, वो आता है बेसिडियोमाइसिटिस, याद रखिएगा, बेसिडियो में लिख दे रहा हूँ, पूरा बेसिडियोमाइसिटिस नाम है। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा क्लास फंगाई रस्ट डिजीज करता है व्हीट में, फाइकोमाइसिटिस, आस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, ड्यूटरमाइसिटिस, आंसर इज बेसिडियोमाइसिटिस, याद रखिए। पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रीटीसी ये एक मैक्रोसाइक्लिक फंगस है और हेटरोइसियस फंगस है, इनमें 5 प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो है यूरिडो स्पोर, टेल्यूटो स्पोर, बेसिडियो स्पोर, पिकनीडियो स्पोर एंड एसियो स्पोर, याद रखिएगा, यूरिडोस्पोर, टेल्यूटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिकनियोस्पोर, एसियोस्पोर, ये 5 तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये एक मैक्रोसाइक्लिक फंगस है, और ये 2 होस्ट रिक्वायर करता है अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हिच वन इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 इन क्रोमोजोम नंबर। इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है जायगोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, सीडकोट में से कौन सा अलग है क्रोमोजोम नंबर के हिसाब से, जायगोट 2n, एम्ब्रियो 2n, एंडोस्पर्म 3n एंड सीड कोट 2n, याद रखिएगा, सीड कोट एक हिस्सा होता है हमारा सीड का जो बना हुआ रहता है इंटेगुमेंट से, इंटेगुमेंट एक हिस्सा होता है हमारा ओव्यूल का, जो ओव्यूल होता है 2n, लेकिन एम्ब्रियो सैक जो इसके अंदर होता है वो होता है हैप्लॉइड। एम्ब्रियो सैक में जितने भी सेल्स होते हैं वो सब हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ जो भी न्यूक्लियस हो गए, इंटेगुमेंट हो गए, वो सब के सब डिप्लॉइड होते हैं, यानी कि हमारा डिफर कौन कर रहा है, हमारा डिफर करना है एंडोस्पर्म, जो कि ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, बाकी सब डिप्लॉइड है। ये जायगोट से हमारा एम्ब्रियो बनता है, जानते हैं कैसे, बाय रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन, तो वो 2n हो गया। और एंडोस्पर्म 3n क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक मेल गैमेट होते हैं, एक मेल होता है और प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं फीमेल गैमेट का, फीमेल का 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, इसको मिला के हमारा एंडोस्पर्म बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, द प्लांट पार्ट यूज्ड एज एन इनोकुलम फॉर टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड। इनोकुलम यानी जो शुरू करने के लिए, प्लांट टिश्यू कल्चर को शुरू करने के लिए जो हमें चाहिए पहले इनिशिएट करने के लिए, वो कौन है, स्टेम सेल, कैलस, एक्सप्लांट, सोमाटिक एम्ब्रियो। इसका भी राइट आंसर कौन सा है, एक्सप्लांट। एक्सप्लांट यानी कोई भी अगर प्लांट 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 के पार्ट को अगर हटा देंगे, एक्साइज कर लेंगे प्लांट से, तो वो बन जाएगा एक्सप्लांट। ई एक्स यानी हट गया है, ई एक्स आउट हो गया, एग्जिट हो गया, तो वो पार्ट को यूज करके अगर हम प्लांट टिश्यू कल्चर में इस्तेमाल करके पूरा होल प्लांट को रिजेनरेट करते हैं, तो उसमें हमारा इनोकुलम कौन यूज होगा, एक्सप्लांट। बाकी कैलस तो बाद में फॉर्मेशन होता है, स्टेम सेल तो ज्यादातर आपको एनिमल, मतलब एनिमल जूलॉजी में हमें यूज करने के लिए, मतलब यूज किया जाता है, उसके बाद एनिमल टिश्यू कल्चर हो गया, उसके बाद सोमाटिक एम्ब्रियो, तो ये जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है सोमाटिक सेल से या सोमाटिक बॉडी सेल से, तो उसे सोमाटिक एम्ब्रियो कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर है, शुरू करने के लिए जो इनोकुलम चाहिए वो है एक्सप्लांट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पूछा व्हिच इज अनरिलेटेड पेयर। इनमें से कौन सा पेयर है जो अनरिलेटेड है, ईस्ट बडिंग करता है, बैक्टीरिया फिशन करता है, मतलब ये दिखा रहा है कि कौन सा वाला वेजिटेटिवली बडिंग कर रहा है कि नहीं। ईस्ट तो वेजिटेटिवली बडिंग करता है, मतलब वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस बाय बडिंग करता है, बैक्टीरिया भी वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस बाय फिशन करता है। क्रिजेंथेमम सीड, ये गलत है, क्रिजेंथेमम सीड से कभी भी हमारा वेजिटेटिवली प्रोपागेट नहीं करता है, या फिर वेजिटेटिवली इसे रिप्रोड्यूस नहीं करता, बनाना तो शक्कर से करता है वेजिटेटिवली, सो इसका ये हमारा अनरिलेटेड पेयर हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। यानी कि ये पूछ रहा है कि फ्रूट अगर फॉर्मेशन हो रहा है, डेवलप हो रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस, अबायोजेनेसिस, स्पर्माटोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस। देखिए ये गलत ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, सारे के सारे ऑप्शन मतलब
मैथ नहीं कर रहे, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ ये ऑप्शन होगा क्यों। देखिए इसका एक्चुअल जो आंसर है वो है पार्थेनो कार्पी, क्योंकि फ्रूट का बोला है, पार्थेनो कार्पी होगा, कार्पी, कार्पी का मतलब होता है फ्रूट, तो कार्पी अगर यूज होगा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं दिया गया। हमारे पास है कौन सा वाला, पार्थेनोजेनेसिस, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, लेकिन हालांकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है पार्थेनोकार्पी, तो इसी को भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि पार्थेनो मीन्स विदाउट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे भी फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो ये वाला ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप्ड अंडर, जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के यूनिसेलुलर फॉर्म किस ग्रुप में आते हैं, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंगाई में, एनिमालिया में। सो इसका तो डेफिनेटली डायरेक्ट सा आंसर होगा प्रोटिस्टा, मोनेरा तो बैक्टीरिया वाला हो गया प्रोकैरियोटिक, और फंगाई तो यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, एनिमालिया तो हमारा यूनिसेलुलर नहीं हो सकता, हमेशा मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर यहाँ पे आते हैं प्रोटिस्टा में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रीड द स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑर्गेनिज्म फॉर व्हिच द स्टेटमेंट्स आर एप्लीकेबल, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताता हूँ, ऑप्शन वन और ए को मैच करना है, ऑप्शन टू और बी को मैच करना है, थ्री और सी को मैच करना है, फोर और डी को मैच करना है, इनमें से हमें देखना है कौन सा वाला हमारा एप्लीकेबल है, इनमें से कौन सा ऑप्शन किस बिट के साथ एप्लीकेबल है। तो पहला ऑप्शन दिया है फ्रेश वाटर, वेरी फ्यू मराइन एंड ऑटोट्रॉपिक, हमारा स्पायरोगायरा है क्या, नहीं, क्योंकि स्पायरोगायरा के सारे स्पीसीज फ्रेश वाटर के होते हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया। थालस ट्यूबुलर एंड सिनोसाइटिक, थालस ट्यूबुलर होते हैं और सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक हमारा ओइडोगोनियम होता है क्या, नहीं, ओइडोगोनियम कभी भी सिनोसाइटिक नहीं होता, वो सेप्टेट होता है। उसके बाद बोला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टी सेल्यूलर जू स्पोर, यानी कि बोल रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा लेकिन मल्टी सेलुलर जू स्पोर से होगा, भावकेरियम में होता है क्या, यस, यहाँ पे सिनो जू स्पोर नाम का एक स्ट्रक्चर, या फिर सिन जू स्पोर कहते हैं जो स्ट्रक्चर बनता है, उसमें एक एक न्यूक्लियस क्या करते हैं पेरीफेरी में जाके अटैच हो जाते हैं और बीच में सेंट्रल वैक्यूल आ जाता है, और एक एक न्यूक्लियस से दो दो फ्लाजेला निकलते हैं, न्यूक्लियस से दो दो फ्लाजेला निकलते हैं, याद रखिएगा। लेकिन ये बाहर से जो सिनोजूस्पोर या सिनजूस्पोर बना, ये आपको मल्टीसेलुलर दिखेगा और ये भावकेरियम में प्रोड्यूस होते हैं। चलते हैं फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेमोस टाइप इन कारा, ये गलत है, क्योंकि कारा में मोटाइल फॉर्म फॉर्मेशन ही नहीं होते, तो ऊगेमस फॉर्म कैसे होगा, क्योंकि ऊगेमस में क्या क्या कहा जाता है, जो मेल गैमेट है वो होगा मोटाइल और जो फीमेल गैमेट है वो होगा नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। तो मुझे बताइए मोटाइल का स्ट्रक्चर लिखा है ऊगेमस में और कारा में तो मोटाइल फॉर्मेशन नहीं होता, तो ये वाला भी नहीं होगा, सो हमारा राइट ऑप्शन होगा सी, भाव के एरिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा व्हिच वन इज ए लिविंग फॉसिल, इनमें से लिविंग फॉसिल कौन सा है, रिक्सिया, सिलाजिनारा, जिंको, पाइनस, ये भी बहुत सारी जैसे आप क्वेश्चन है, जिंको जिसका पूरा नाम है जिंको बाइलोबा, जिंको बाइलोबा, और इसको लिविंग फॉसिल इसीलिए कहा जाता है, एंशिएंट चाइनीज इसमें से मेडिसिन निकालते थे, इस वजह से इसको बार 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 इसको क्या करा गया, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन इसको प्लांटिंग करा गया, इस वजह से ये आज तक भी जिंदा है, लेकिन इसके बाकी जो मेंबर्स है वो सब के सब फॉसिल मतलब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और जिम्नोस्पर्म के ज़्यादातर स्पेसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, कुछ ही सिलेक्टेड स्पेसीज हैं जो कि आज भी यहाँ पे हैं, जैसे पाइनस हो गया, साइकस हो गया, नेटम हो गया, वो सब अभी भी जिंदा है, और ये जिंको का सिर्फ एक ही मेंबर है, जिंको एल्स का, जो जिंको बाइलोबा एक ही मेंबर है जिंको एल्स का, जो कि अभी तक जिंदा है, या फिर मतलब लिविंग फॉसिल कहा गया, क्योंकि बाकी सारे इसके फॉसिल हो गए या फिर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी दूंगा, वो होगा हमारा एक और एक स्पीसीज है जो है साइकस, साइकस का भी एक मेंबर है जिसको लिविंग फॉसिल कहा जाता है, और एक है मेटासिकोया, याद रखिएगा मेटासिकोया, ये भी एक लिविंग जिम्नोस्पर्म लिविंग फॉसिल है, तीनों याद रखिएगा, जिंको बाइलोबा, साइकस और मेटासिकोया, ये तीनों के तीनों स्पीसीज हमारे लिविंग फॉसिल कहा जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन एक्स सीटू कंजर्वेशन भी डन, एक्स सीटू बोला गया, एक्स यानी बाहर, यानी कि अगर कंजर्वेशन किया जाए, यहाँ पे कोई एक प्लांट ग्रो करा है तो हम क्या किए, वहाँ पे उसको खतरा है इस वजह से इसको बाहर ले आए और हमारे टेरिटोरी में उसको उगाने लगे, उसको हमने ग्रो करना चालू किया, तो उसको एक्स सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको खतरा है, कोई भी प्लांट स्पीसीज हो, कोई एनिमल हो, जो भी हो। तो नेशनल पार्क वो ये एक इन सीटू है, बोटानिकल गार्डन
ये है हमारा आंसर, ये एक्सीटू है। चलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व ये भी हमारा इंसीटू में आ गया, सेंचुरी ये भी इंसीटू में आ गया, नेशनल पार्क भी इंसीटू में आ गया। सिर्फ और सिर्फ बॉटनिकल गार्डन है जो कि एक्सीटू में होता है। यानी कि मान लीजिए हमें कोई प्लांट देख प्लांट पता चला कि वो एक थोड़ा सा एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एक्सटिंक्ट होने को जा रहा है, तो हमने इसको तुरंत ही क्या किया, हमने अपने बॉटनिकल गार्डन में इसको प्रिजर्व करके रख लिया ताकि इसका स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस में जो पहला रिएक्शन होता है वो क्या, कौन सा रिएक्शन होता है? फोटोलिसिस ऑफ वाटर, NADPH फॉर्मेशन, ATP फॉर्मेशन, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। इसी के ऊपर से ही सब कुछ डिपेंड करता है। एक्साइटेशन, क्लोरोफिल का एक्साइटेशन होना जरूरी है। कैसे मैं बता दूँ, सेंटर में हमेशा एक रिएक्शन सेंटर होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल ए, और उसको घेरे हुए रहते हैं हमारे बाकी सारे एक्सेसरी पिगमेंट, इस तरह से घेरे हुए रहते हैं, इस तरह से बाकी सारे एक्सेसरी पिगमेंट घेरे हुए रहते हैं जो कि बना हुआ रहता है क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉयड, जांथोफिल से बना हुआ रहता है। तो जब भी सनलाइट आके गिरता है इनमें, सनलाइट आके यहाँ पे गिरता है तो ये एक्साइटेड होके अपने बाजू वाले पिगमेंट को अपना एक्साइटेशन पास ऑन कर देते हैं हाई एनर्जी से लो एनर्जी होने के लिए। उसके बाद अल्टीमेटली ये सारा का सारा एनर्जी किसको ट्रांसफर हो जाता है? क्लोरोफिल ए को, जो कि रिएक्शन सेंटर है, और ये एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, याद रखिएगा। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा, मतलब पहला जो रिएक्शन है वो होगा एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल। उसके बाद जाके वो फोटोलिसिस होगा, वो ATP बनेगा, NADPH बनेगा, वो सब बाद में, पहले एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सीपोर प्लांट द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन बंडल शीथ सेल, यानी कि बंडल शीथ सेल में कौन सा वाला फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है CO2 फिक्सेशन का? याद कीजिएगा जो हमारा मीजोपिल सेल होता है पहले, और सेंटर में हमारा बंडल शीथ सेल होता है। मीजोपिल सेल क्या कहता है, मैं सीपोर का बात कर रहा हूँ, नॉट C3 वाला। तो सीपोर का मान लीजिए कोई मेज है या फिर सुगर केन है, कोई भी प्लांट मान लीजिए, तो ये उसका हो गया मीजोपिल सेल, और सेंटर में है बंडल शीथ सेल। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो हमारा कलर थोड़ा बदले, हाँ, जो हमारा मिजोफिल सेल है उसमें क्या होगा, CO2 पहले आएगा, वो फिक्सेशन होगा, उसको एक्सेप्ट करेगा पेप, पेप एक्सेप्ट करके OAA बनाएगा, याद रखिए ऑक्सालो एसिटिक एसिड। इसके बाद ये ट्रांसफर होके हमारा फिर से CO2, ये क्या करेगा, हमारा CO2 को रिलीज कर देगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन होके CO2 को फिर से रिलीज कर देगा, यानी कि डबल फिक्सेशन होता है। और यहाँ पे जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा वो होगा RUBP, RUBP राइबुलोज बाईफॉस्फेट, और ये जो पहला हमारा फास्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा जैसे कि C3 में बनाता था वो है PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इसमें ऑप्शन क्या क्या है, 3PG फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ऑक्सैलो एसिड। सो राइट आंसर है हो गया हमारा 3PGA, यानी कि C3 में जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट था वही C4 में होगा, लेकिन कहाँ पे, बंडल सिल सेल में। अगर पूछा जाता मीजोपिल सेल का कौन होता, वो होता ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और ऑक्सैलो एसिटेड, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, ये रहा रेड कलर। हाँ, विच इज द हॉर्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम द एल्यूरन लेयर ऑफ मेज सीड जर्मिनेशन, सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के टाइम में कौन सा हार्मोन मदद करता है मेज के एल्यूरन लेयर, मेज का जो एल्यूरन लेयर होता है उसको उसको तोड़ के उससे सिक्रीट करके, इथिलिन होता है, एब्सेसिक एसिड होता है, जिबरेलिक एसिड होता है, या साइटोकाइन। जिबरेलिक एसिड होता है जो कि हमारा एल्यूरन लेयर जो कि प्रोटीन लेयर से बनता है, और जो सीड जो जर्मिनेशन में मदद करता है जिबरेलिक एसिड, याद रखिएगा। इसके लिए बार्ली एंडोस्पर्म टेस्ट भी किया गया है, मेज एंडोस्पर्म टेस्ट किया गया है, याद रखिएगा जिबरेलिक एसिड का बायोअसर टेस्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द हार्मोन प्रेजेंट इन द मैक्सिमल अमाउंट इन एपिकल रीजन ऑफ सूट, एपिकल रीजन ऑफ सूट में कौन सा हार्मोन है जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है, इथिलिन, एब्सेसिक एसिड, फ्लोरीजिन, ऑक्सिन। सो राइट आंसर है ऑक्सिन। ऑक्सिन हमें मालूम है यहाँ पे एपिकल रीजन में होता है जो कि एपिकल डोमिनेंस को बढ़ावा देता है, यानी कि इसको हाइट में इंक्रीज करता है बाय सप्रेसिंग द लेटरल लेटरल बड्स को सप्रेस कर देता है ताकि ये प्लांट हाइट में बढ़ सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कैस्पेरियन थिकनिंग्स आर प्रेजेंट इन रेडियल वॉल्स ऑफ। कैस्पेरियन थिकनिंग कहाँ पे पाए जाते हैं? रेडियल वॉल, किसके रेडियल वॉल में? पीथ सेल के, एपिडर्मिस के, पेरिसाइकल के, या फिर एंडोडर्मिस के? ये राइट आंसर होगा एंडोडर्मिस। और ये किसका एंडोडर्मिस है? रूट का एंडोडर्मिस, याद रखिएगा, रूट के एंडोडर्मिस में, जो कि है डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट में नहीं, डाइकोट रूट के एंडोडर्मिस में हमें कैस्पेरियन थिकनिंग देखने को मिलेगा, वो भी उसका रेडियल वॉल में। इस तरह के रेडियल वॉल में हमें यहाँ पे हमें इसका डिपोजिशन देखने को मिलेगा। ये एक बैरल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जो एंडोडर्मिस होता है बैरल शेप, देखे है ना आप लोग, जो शराब वगैरह बनाया जाता है उसको बैरल में बनाया जाता है, तो इस तरह का होता है, जिसमें इस तरह का हमें थिकनिंग देखने को मिलता है, और इसी को ही कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। और जहाँ पे वैकेंट रहते हैं उसको पैसेज सेल कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा, पैसेज सेल कहा जाता है, यानी कि इसी के थ्रू से बाकी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लॉकेज है ना, यहाँ पे कैस्पेरियन थिकनिंग होता है, और कैस्पेरियन थिकनिंग कौन करता है? सुबेरिन, याद रखिएगा इसको भी, सुबेरिन के वजह से यहाँ पे सुबेरिन आके डिपोजिट हो जाता है, जिसके वजह से एक बैंड बनता है, उसको कैस्पेरियन बैंड और कैस्पेरियन थिकनिंग कहते हैं, और वो रेडियल वॉल में बनता है एंडोडर्मिस के, और जहाँ पे वो डिपोजिशन नहीं होता उसको पैसेज सेल कहते हैं, उसी के थ्रू से हमारा ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इज अनरिलेटेड पेयर, इनमें से कौन सा पेयर है जो अनरिलेटेड है? स्क्लेरेनकाइमा न्यूक्लियोटाइड, पैरेनकाइमा इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोलेनकाइमा लिविंग, एपिडर्मिस ग्रैंड सेल। सो इसका मुझे मालूम चल गया है, इसका राइट आंसर है स्क्लेरेनकाइमा न्यूक्लियोटाइड, ये अनरिलेटेड है। देखिए, पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत सारे पाए जाते हैं, कोलेनकाइमा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है, एपिडर्मिस में ही हमें गार्ड सेल देखने को मिलता है, और जो बचा स्क्लेरेनकाइमा ये होता है डेड, और इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो ये तो न्यूक्लियेटेड लिख दिया, यानी कि ये बोल रहा है कि प्रेजेंट है न्यूक्लियस लेकिन एब्सेंट है, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ रूट्स, इनमें से रूट का कौन सा आइडेंटिफाइंग फीचर है? वास्कुलर बंडल स्कैटर्ड, वास्कुलर बंडल्स कोलेटरल, वास्कुलर बंडल साइफोनोस्टिलिक, वास्कुलर बंडल्स रेडियल। सो राइट आंसर है वास्कुलर बंडल रेडियल। याद रखिएगा, रूट का वो चाहे मोनोकोट हो या चाहे डाइकोट हो, रूट में हमेशा हमें किस तरह का वास्कुलर बंडल देखने को मिलेगा? रेडियल। और रेडियल वास्कुलर बंडल यानी कि ये रहा, मान लीजिए कोई एक वास्कुलर, मतलब कोई एक कोई डाइकोट या मोनोकोट का डाइसेक्शन हो गया, यहाँ पे फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, इस तरह से रेडियली अरेंज हो गए, रेडियल यानी पूरा रेडियस में अरेंज हो गए, याद रखिएगा, एक एक रेडियस में एक जाइलम, एक फ्लोएम, एक जाइलम, एक फ्लोएम, इस तरह से अरेंजमेंट को हम रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं, जो कि हमारा डाइकोट और मोनोकोट के रूट में पाया जाएगा। सो वास्कुलर बंडल इज रेडियली अरेंज्ड। चलते हैं उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये शायद, हाँ देख लेते हैं, ये शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो सिस्टम टू रिएक्शन सेंटर P680 इज, जो हमारा फोटो सिस्टम टू P680 है, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला हुआ रहता है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है जो उससे इलेक्ट्रॉन लेता है? तो मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ, प्लास्टोक्विनोन, फियोफाइटिन, साइटोक्रोम फेरोडक्सिन। राइट आंसर इज फियोफाइटिन। देखिए कैसे हुआ, हमें जेड साइकिल, जेड स्कीम को याद करना होगा, ये मान लीजिए PS2 है जिसका रिएक्शन सेंटर है P680, ये मान लीजिए PS1 है जिसका रिएक्शन सेंटर है P700। अब ये एक्साइटेड होके यहाँ पे सनलाइट गिरा, ये एक्साइटेड हुआ और ये दिया हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है हमारा फियोफाइटिन, PHE, याद रखेगा। उसके बाद प्लास्टोक्विनोन आएगा, उसके बाद आएगा हमारा साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, उसके बाद प्लास्टोसियानिन, और बाद में आएगा, उसके बाद वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा PS1 को, उसके बाद ये एक्साइटेड होके हमारा FRS फेरेडोक्सिन रिड्यूसिंग सिस्टम को देगा, उसके बाद ये FD को फेरेडोक्सिन को देगा, और फेरेडोक्सिन के बाद ये जाके NADP को देगा अपना इलेक्ट्रॉन, ताकि NADPH2 बन सके। सो इसका जो राइट आंसर हुआ वो है फियोफाइटिन। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। हम इसी तरह के बाकी सारे पूरा इसका सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे बॉटनी का, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे जूलॉजी का, और ये आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, के तैयारी के लिए भी बहुत मदद करेगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं जैसे भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक